गलत बात बिल्कुल गलत बात है। मणिपुर की जो घटना है वो अच्छी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान समाज में ज्यादा, ये नहीं कह रहा, नारी जाति का सम्मान तो होना चाहिए। नारी तो देवी है, माता है, लिंगायत समाज ओबीसी में शामिल है, लेकिन राज्य स्तर पे ये चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओबीसी की लिस्ट में हमें लेकर के आए। राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने देते, कहीं कोई नहीं रोक रहा, मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। रोका गया था, देखो इस तरह की जो बातें हैं ना वो अच्छी नहीं है। वो आकर के कोई मेरे साथ घटना करके जाए, ऊपर कुछ गड़बड़ कर दे, जूता फेंक दे, चप्पल फेंक दे, थूक दे, तो क्या करोगे उसका? मैं तो उपाध्याय हूँ, मैं लिंगायत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर तेलंगाना से चलकर लोग जो हैं यहां पर आए हुए हैं और साफ तौर पर मांगे हैं कि जो लिंगायत समाज है जो वहां की, उन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? देखो, लिंगायत समाज ओबीसी में शामिल है, लेकिन राज्य स्तर पे ये चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओबीसी की लिस्ट में हमें लेकर के आए। स्टेट गवर्नमेंट में है, डी कैटेगरी में लिंगायत समाज ओबीसी में दर्ज है, तो आज काफ़ी संख्या में आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आने के बाद जहाँ जहाँ उस समाज के लोग हैं उनको उसका लाभ मिले, वो विषय है। तो मैं भी आज यहाँ आया हूँ क्योंकि कोई भी बात अगर अच्छी तरह से इतनी दूर से लेके आता है तो उसकी आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, सरकार के कानों तक जाए, और अगर हो सकता है तो सरकार को करना चाहिए। ओबीसी में जाने का, शामिल होने की मांगे क्यों है, क्यों जाना है ओबीसी? देखो, ओबीसी में कुछ एक्स्ट्रा लाभ होते हैं, जनरल कैटेगरी में जो लाभ नहीं है ओबीसी में वो लाभ है, बस सीधा सा विषय है। लेकिन जो है आजकल देश की अगर स्थिति देखा जाए तो ब्राह्मणवाद और ये अपर कास्ट निचले कास्ट की लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में जहाँ अपर कास्ट वाले अपना वर्चस्व कायम करने में लगे हुए हैं, तो आपको क्यों जाना है ओबीसी में? मैं तो उपाध्याय हूँ, मैं लिंगायत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मांगे हैं, जिनकी मांगे हैं, ये अपने मित्र हैं डॉक्टर साहब। देखो क्या है, भारत सरकार का एक लॉ है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, जनरल को किसी प्रकार का लाभ सर्विस में या बच्चों की फीस में नौकरी में नहीं दिया जाता, लेकिन जो अदर कैटेगरीज हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको अलग अलग तरह के लाभ हैं। उसी बात को देखते हुए जिस समाज ने महसूस किया कि हमारे बच्चों को भी सर्विस में लाभ मिलना चाहिए, एजुकेशन में लाभ मिलना चाहिए, उसी बात को लेकर बच्चों के भविष्य के लिए कि हम लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ओबीसी में डालती है तो थोड़ा लाभ हो जाएगा रिजर्वेशन का, बस इतना ही है। लेकिन अगर मैं रिपोर्टर हूँ और अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, बहुजनों का कहना है एससी एसटी ओबीसी में जो आते हैं वो कहते हैं हमें आरक्षण होने के बावजूद कहीं भी अधिकारी देखने को नहीं मिलता हमारी जाति का। गलत बात बिल्कुल गलत बात है। कहते हैं हम जहाँ जाते हैं वकील हो, पुलिस हो, थाना हो, हर जगह पर कास्ट के लोग भरे पड़े हैं। नहीं, अगर अपने दम पे, एजुकेशन के दम पे कोई आता है तो उसको कौन रोक देगा, लेकिन अगर किसी सर्विस के अंदर कुछ कोटा, अगर उस व्यक्ति का, जो है दिल्ली के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन के अंदर 14 सीट अदर की है, तो 1400 सीट है कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए की दिल्ली के अंदर, 14 सीट के अंदर वहाँ पर सुवर्ण आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता, कांग्रेस है, भाजपा। शिकायत कैसे आती है कि जितने सारे पोस्ट हैं अधिकारियों के, उन सब पे जो है अपर कास्ट के लोग भरे पड़े हैं, इसलिए हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हमारी सुनी नहीं जाती। कानून बड़ा होता है, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी इंसाफ के देवता हैं, किसी के साथ नाइंसाफी हुई नहीं, आगे होगी नहीं। अगर कोई अपर क्लास का व्यक्ति आगे जाता भी है तो अपने दम पे गया होगा, लेकिन वो किसी का हक मार के नहीं जाता। अगर कहीं सर्विसेज निकलती भी हैं और 2%, 3%, 4%, 8% ओबीसी का है तो उसमें ओबीसी के व्यक्ति की ही नियुक्ति होगी, उसमें कटौती हो ही नहीं सकती, उसमें कानून में क्या करेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री न्याय के मूर्ति हैं, लेकिन उन्हीं पर आरोप है कि संविधान को नहीं माना जाता, लोकतंत्र जो है खतरे में जा रहा है। अगर लोकतंत्र की इज्जत है और लोकतंत्र लागू हुआ है, फंडामेंटल राइट्स लागू हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है और देश को इंसाफ मिला है, तो
माननीय मोदी जी ने जितना कार्य किया है अब तक सरकारों में नहीं हुआ। आज हर व्यक्ति इज्जत के साथ सांस लेता है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी को बराबर के अधिकार दिए गए लेकिन मर्यादा में रह के। कहाँ बराबर के अधिकार मिले हैं? राष्ट्रपति जो है वो, क्योंकि आदिवासी समाज चाहती तो उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, बराबरी कहाँ है? राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दे? कहीं कोई नहीं रोक रहा, मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। रोका गया था? देखो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो अच्छी नहीं है। भारत के जितने भी टेम्पल हैं सबके लिए खुले गेट है, कोई मना नहीं करता जाने। एक महीने पहले की बात है, जगन्नाथ मंदिर में उन्हें नहीं जाने दिया गया था, उन्हें दरवाजे के बाहर से ही भगवान को प्रणाम करना पड़ा। मंदिर में जाने को कोई नहीं रोकता, और भी कई तरह के कारण होंगे होंगे जिसकी मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है सनातन धर्म के जितने भी टेम्पल्स हैं उनके अंदर कोई किसी को रोकता ही नहीं, बिल्कुल नहीं रोकता। ये इस तरह की बातें चलाने से आए दिन ऐसी खबरें आती है कि पानी पी लिया किसी दलित समाज ने, एससी एसटी के बच्चे ने, तो उसे मार मार कर खत्म कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जो खबरें आई, आदिवासी समाज के एक युवक के ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? अगर कोई व्यक्ति पागलपन का शिकार होके गलती करता है यहाँ पे भी, तो उसका क्या करोगे आप? उसको जेल भेजाना जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके पैर धो करके, उसके पैर धुलाए बुला करके, अगर आज आपका बच्चा, मेरा बच्चा किसी को मार दे, किसी को गाली दे दे, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो इसलिए उसका इलाज भी है, लेकिन हम लोग उसका समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सबका बराबर सम्मान है, बराबर इज्जत है, किसी का हक का नुकसान इस सरकार में नहीं होगा। मणिपुर पर क्या कहेंगे आप? आज का वो विषय है नहीं, लेकिन मणिपुर की जो घटना है वो अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी ही है वहाँ पर। देखो मैं आपको कहूँ, प्रधानमंत्री का दोष कहाँ है? वो घटना गलत है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी पूरी तरह से निंदा की। उन्होंने ये भी कहा, मेरे हृदय के अंदर रोष है, दुख भी है, कुछ पागल लोगों ने इस तरह की हरकत की है। नारी जाति का सम्मान तो होना चाहिए, नारी तो देवी है, माता है, उसके साथ अगर ऐसा कोई करता है तो मैंने आपको कहा ना, अगर इंडिविजुअल व्यक्ति, बीजेपी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, दावा करते हैं कि हमारी सरकार जो है सबसे सुरक्षित सरकार है महिलाओं के लिए, लेकिन यूपी के हाथरस में, उन्नाव में, मणिपुर में और भी कई जगहों पे जैसी खबरें आती है, कितना सच है ये? यूपी की गवर्नमेंट भी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, गुंडागर्दी समाप्त की है, हफ्ता वसूली समाप्त की है, महिलाएं और बेटियां स्कूल जाने लगी, खुल करके चलती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ सरकार में हैं, सबको दिखाई देता है वहाँ बदलाव आया है, उद्योग भी लगे हैं, बेटियां स्कूल जाने से डरती थी आज जाने लगी, किसी की भी जो तरह तरह की जो वहाँ पर कब चलते थे सारे बंद हुए हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी आपके पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना न्याय है? लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना है? तो मैंने आपको कहा है ना, कस्टडी के अंदर कोई भी गलती होती है तो वो ठीक बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब यहाँ जंतर मंतर के ऊपर पूरी तरह से भीड़ है, एक आदमी जो सिर फिरा है, इसको कुछ भी सरकार को बदनाम करना है या कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे मुद्दा बन जाए, वो तो आकर के मेरे साथ घटना करके जाए, ऊपर कुछ गड़बड़ कर दे, जूता फेंक दे, चप्पल फेंक दे, थूक दे, क्या करोगे उसका? पुलिस का जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई, पत्रकारों के बीच में पत्रकार ने पत्रकार की आईडी पहन के उन लोगों ने हत्या कर दी और जय श्री राम के नारे लगाए उसके बाद, तो ये अगर पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या होती तो उसके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, उसमें गलतियां किसकी होंगी? उसमें कानून ने अपना काम किया है, वो लोग जेल भी गए हैं और उनकी पूरी इंक्वायरी भी होगी, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। आपको लगता है कि बुलडोजर नीति जो है वो न्याय का एकमात्र उपाय? क्रिमिनल है, अपराधी है, तो उसके तहत राज्य सरकार को जो अच्छा लगता है उन्हें लेने का अधिकार है। अगर कोई
षड्यंत्रकारी है या इस तरह की घटना करता है कोई, वो जो राज्य सरकारें हैं उसको अधिकार है किस तरह से लैंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उनको पूर्ण अधिकार है। ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों चलता है? नहीं, गलत बात है ये नहीं। आप इस तरह से हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, वो लगातार ऐसे कई लोगों की शिकायत है कि योगी बुलडोजर चलाते हैं लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर, सिर्फ मुसलमान जो आतंकी हैं उन्हीं को खत्म करते हैं। जिस समाज में ज्यादा अपराधी होंगे तो अपराधी के ऊपर तो चलेगा ही, अब जिस समाज में अपराधी है ही नहीं उनके घर पे कौन बुलडोजर फेरेगा? मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान समाज में ज्यादा? ये नहीं कह रहा, जिस समाज में ज्यादा अपराधी होंगे तो वो अपराध लाइन ऑर्डर काम करेगा, जिस समाज में अपराधी है ही नहीं उनको कौन बुलडोजर फेरेगा? तो आपने साफ तौर पर सुना क्या कुछ इनका कहना है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, योगी राज्य के बारे में। बाकी इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी जनहित आवाज।